हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स। और मेरा नाम है पंकज, मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे। आज हम कहीं बाहर घूमने तो नहीं जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है काफ़ी जगह लॉकडाउन लगा है और काफ़ी स्टेट्स में ट्रैवलिंग और भी बैन है। आज हम बात करने वाले हैं मेरे व्लॉगिंग सेटअप के बारे में, मैं कौन सा व्लॉगिंग सेटअप अभी यूज़ कर रहा हूँ और कौन कौन सी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग और बात करते हैं व्लॉगिंग सेटअप के बारे में। व्लॉगिंग सेटअप में सबसे जरूरी होता है कैमरा। तो या तो आप एक एक्शन कैमरा ले सकते हैं या एक कोई अच्छा सा फोन भी ले सकते हैं। तो मैंने चूज किया था आईफोन 11 मेरे व्लॉगिंग सेटअप के लिए। तो मैं जो भी अपने वीडियो शूट करता हूँ इसी आईफोन से यूज करता हूँ और इसी से ही सारे वीडियोज शूट करता हूँ। मैंने अभी फोन लगा रखा है मेरे ट्राइपॉड पे। उसके बाद व्लॉगिंग के लिए सबसे जरूरी होता है आपकी वॉइस। आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आप क्या कह रहे हैं बिल्कुल साफ साफ समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यूज कर रहा हूँ ये अभी बोया का M11 माइक। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ बोया का ये MM1 माइक, जिसमें आपको एक शॉटगन माइक मिल जाता है और उसके साथ ये मिल जाती है विंडशील्ड, जो अगर किसी ऐसी जगह पर आप शूट कर रहे हैं जहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही है तो वहां पर ये विंडशील्ड आपको काफी हेल्प करेगी। जितने भी जो एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस होती है हवा की वो सब ये कुछ रोक देगी। और इसके पीछे है ये शॉटगन माइक जो आपकी वॉइस को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ ही इसका एक शू माउंट भी आता है। इस शू माउंट को आप अपने फोन में या एक्शन कैमरा कहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसकी एक TRS और एक TRRS दो केबल्स भी आती है, जिससे आप अपना इस माइक को अपने एक्शन कैमरा या DSLR या फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ये TRRS डायरेक्ट आपके आईफोन में नहीं लगेगी, इसके लिए आपको एक और ये अटैचमेंट लेना पड़ेगा। मैं शुरू में भी काफ़ी परेशान हुआ था, मेरा ये जो माइक है डायरेक्ट आईफोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने ये कनेक्टर काफ़ी जगह ढूंढा, यहाँ लोकल मार्केट में भी और ऑनलाइन भी मैंने ट्राई किया, लेकिन ये माइक मेरे आईफोन में नहीं चला। फाइनली मुझे एक एप्पल के ऑथराइज स्टोर से ये कनेक्टर जाके लेना पड़ा। तो आप परेशान मत होइए, डायरेक्ट ही आईफोन ऑथराइज डीलर से ये कनेक्टर आप ले लीजिए। ये 900 रुपये का कनेक्टर है, ये जब तक आप उसको नहीं ऐड करेंगे आपका माइक आईफोन में कनेक्ट नहीं होगा। तो ये कनेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है माइक को जोड़ने के लिए। इसके बाद मैंने लिया ये एक ट्राइपॉड, गोरिल्ला ट्राइपॉड, जिसमें मैंने अभी अपना फ़ोन लगा रखा है। इस गोरिल्ला ट्राइपॉड को आप आराम से हाथ में भी पकड़ सकते हैं और कहीं भी किसी भी जगह रख के इजीली व्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी, और इसकी जो इसको पकड़ना भी काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा गोरिल्ला ट्राइपॉड है। मैंने इसे ऑनलाइन अमेजन से मंगाया था। इसके बाद जो इस ट्राइपॉड के साथ जो ये माउंट आता है, इस माउंट में आपका ये माइक नहीं लगेगा, माइक का जो माउंट होता है ये इसमें लगाने की जगह नहीं होती है। इसके लिए मैंने अलग से ये एक अटैचमेंट मंगाई थी, ये भी ऑनलाइन अमेजन से ही मंगाई है, जिसमें ऊपर ये कोल्ड शू माउंट दे रखा है, जिसमें आप अपने इस माइक को ईजीली अटैच कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ अटैच हो जाएगा, तो ये भी आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। अगर आपके ट्राइपॉड के साथ शू माउंट, कोल्ड शू माउंट वाला अटैचमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ये अलग से लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा जब आप सारी चीज़ें इस पर माउंट कर लेंगे। और ये ट्राईपॉड हो गया। इसके बाद फ़ोन तो मैंने अभी वहीं लगा रखा है, दूसरा फ़ोन मैं आपको दिखाने के लगाया है। फ़ोन ऐसे लग जाएगा और उसके ऊपर ये माइक लग जाएगा ऊपर। तो ऐसा कुछ आपको पूरा सेटअप व्लॉगिंग दिखेगा, और यही व्लॉगिंग सेटअप मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, बस फोन आईफोन लगाता हूँ उसकी जगह। तो जैसे कि अगर आप अभी अभी व्लॉगिंग करना आपने स्टार्ट किया है और आप अभी नहीं व्लॉगर बने हैं, तो मैं आपको यही सबसे इजी और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता व्लॉगिंग सेटअप है यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप शुरू में एक बार DSLR या कोई एक्शन कैमरा ना लें, अपने फ़ोन से ही शूट करें
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके और सब्सक्राइबर ऐड होते जाएंगे, उसके बाद आपको लगता है अगर आप अच्छी व्लॉगिंग करने लगे हैं तो एक अच्छा कैमरा ले सकते हैं। तब तक के लिए ये मेरे हिसाब से बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और आप मेरी वीडियोस देख ही रहे हैं। तो ये था मेरा पूरा व्लॉगिंग सेटअप, मिलते हैं बहुत जल्दी ही किसी नई डेस्टिनेशन पे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।